बच्चा लोग, तो आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है नीट केमिस्ट्री 2020 रिवीजन। ठीक है, इस जुगाड़ नियम में हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस तरह से ले रहे हैं, ईयर वाइज क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ठीक है, नीट केमिस्ट्री 2020 रिवीजन, आपका रिवीजन हो जाएगा सारा चैप्टर से, यही कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और डिटेल चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, इसलिए बढ़िया से समझते चलना। जितना भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा लोग, उसको डिटेल बताएंगे और उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, कौन सा चैप्टर से, वो भी तुमको डिटेल चर्चा करेंगे। इसी तरह से तुम्हारा 2020, 2019, 2018 सभी ईयर, कम से कम 2000 ईस्वी तक तुम लोग को डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां से शुरुआत करने जा रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या होता है, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें से कौन मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता। बच्चा लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखो, तो एक बात को हमेशा तुम दिमाग में रखना, जब भी डज नॉट एग्जिस्ट वाला सवाल आ जाए तो उसका सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखना है। क्या देखना है बताओ, बॉन्ड ऑर्डर। आखिर ये बताया कहां गया था, तो ये बताया गया था मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। बच्चा लोग ध्यान से समझो, ये कहां बताया गया था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ये केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का चैप्टर से है तुम्हारा बच्चा लोग, बढ़िया से दिमाग में रखोगे। और ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का प्रयास करना, वैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका जो है वह है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन By 2, number of bonding electron, number of antibonding electron by 2, ये निकालने से बढ़िया, ये method से हम तुमको नहीं बताते, एक trick बताते, और इस trick को अगर दिमाग में रख लेते हो, तो तुम्हारा किसी भी molecule का तुम आसानी से क्या करोगे, bond order calculate कर लोगे। बच्चा लोग बढ़िया से दिमाग में रखना, यहां से बढ़िया से दिमाग में रखो और समझने का प्रयास करो, ये trick समझना। ये trick क्या है, एकदम बढ़िया से समझो, ये S और SP रखने वाला अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग कहानी होगा। सबसे पहले कैलकुलेट करना है बच्चा लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कैलकुलेट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मॉलिक्यूल का क्या कैलकुलेट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बात को समझना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कर रहे हैं, जैसे मान लो ये हीलियम है मेरे पास, तो इसका बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो 1s2, क्या करोगे बताओ, 1s2 है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन जितना होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 2। अगर लिथियम है मेरे पास तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे क्या, 1s2 2s1, तो इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, 1, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। यहां तक तो कहानी जानता होगा। तो सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल का है उसको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, बात समझ में आ गया। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल्स को लेते हुए चलते हैं आगे। इधर तुम लोग को दिख रहा होगा, इधर आ जाओ अगर नहीं दिख रहा है तो, हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक हीलियम 2 और एक O2, दोनों एग्जांपल को लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबसेल में प्रेजेंट है, एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और इसमें इसमें जो तुम्हारा है एसपी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एसपी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारा एच और पी ऑर्बिटल दोनों में है। अगर दोनों को जानना चाहो कैसे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो 1s2, क्या करोगे बताओ, 1s2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 n2p4। तो देखो इसका बाहरी सेल तुम्हारा दूसरा हुआ, और दूसरा में तुम्हारा क्या है, एस इलेक्ट्रॉन 2 और पी इलेक्ट्रॉन 4, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चा लोग, एक ऑक्सीजन का 4 और 2 6 होता है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहां से तुम देखो, एक हीलियम लेके चलेंगे, एक ऑक्सीजन लेके चलेंगे, बात समझ रहे हो। तो हीलियम में तुम्हारा ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, समझना ये है बच्चा लोग कि अगर इसका s का इलेक्ट्रॉन देखें तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किसमें है, s सबसे में, s ऑर्बिटल में,
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो देखो बाहरी सेल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो चार और दो छह, तो एस में दो इलेक्ट्रॉन है, पी में चार इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह हुआ कि छह इलेक्ट्रॉन जो है वो एसपी सबसेल में है, एसपी ऑर्बिटल में, एस में और पी ऑर्बिटल में, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन एसपी के अंतर्गत भी है। इसका एक ऑक्सीजन एटम का छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चलो तो यहां दो ऑक्सीजन एटम है तो छह और छह कितना हो गया 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई दिक्कत है? यहां सिर्फ 12 रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें तुम अगर यदि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बच्चा लोग ध्यान से देखना, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या निकलेगा, तो एक हीलियम का दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2+2 कितना हो जाएगा, टोटल 4। बात समझ में आ गया? तो ट्रिक ये कहता है सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, जो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए दो एग्जांपल के साथ चल रहे। फिर क्या बोलता है कि अगर एस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में, तो डायरेक्ट तुमको क्या करना है, 2 को पकड़ के रख लेना है, डायरेक्ट तुमको क्या करना है, 2 को पकड़ के रख लेना है। बात समझ में आ गया? फिर से बोल रहे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो डायरेक्ट तुमको क्या करना है, 2 को पकड़ के रख लेना है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस में, 2 को पकड़ के रखो, उसके बाद जितना ज्यादा होगा, बात को समझो, 2 को पकड़ के रख लेना है, उसके बाद जितना होगा उसको माइनस कर देना और डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ऑलवेज 2 को पकड़ के रखोगे, उसके बाद जितना भी ज्यादा होगा उसको माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, उसके बाद जो आएगा वही बॉन्ड ऑर्डर होगा। जैसे एग्जांपल में आ जाओ, एग्जांपल में आ जाओ, जैसे यहां टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला, 4, टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला, 4, 4 में से 2 को पकड़ के रख लेना है और जितना ज्यादा होगा, 2 से जितना ज्यादा होगा, कितना है ज्यादा, 4 है यहां, तो यहां 2 ले लिए तो कितना बचा, 2, तो 2 ज्यादा था इसलिए 2 माइनस कर दिए और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2। अब यहां से 2 से 2 चला गया कितना बचेगा, 0, 0 बटा 2 मतलब 0, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना निकल गया बच्चा लोग, 0। अगर हम एसपी का बात करें तो यहां कंडीशन को समझना, बहुत अच्छे से समझना, ये कहानी समझ में आ गया। एस में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तब कैसे निकालोगे, एसपी में अगर निकालना है बच्चा लोग तो हमेशा क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उससे ऑलवेज 4 माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे बताओ, ऑलवेज 4 माइनस कर दोगे। अब 4 माइनस किया, उसके बाद जितना आएगा उसका दो कैटेगरी है बच्चा लोग, अगर 6 है या फिर 6 से कम है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 से कम है तो ऑलवेज तुम 2 से डिवाइड करोगे और जितना आएगा उतना तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 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 6 से ज्यादा है, 6 नहीं 6 से ज्यादा है तो 6 को पकड़ के रख लेना है, 6 को पकड़ के रख लेना है और जितना ज्यादा है उसको माइनस कर देना है, जितना ज्यादा है उसको माइनस कर देना है। यहां बार बार गोल गोल लगा रहे हैं, ये 0 नहीं है बच्चा लोग, ये वो खाली स्थान को हम भर रहे हैं जिसमें तुमको भरना है, जितना ज्यादा होगा उसको घटा देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। ये 0 नहीं है, ये गोल गोल खाली स्थान कर रहे हैं। एग्जांपल में समझो, यहां टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आया, क्या करोगे बताओ, 12 इलेक्ट्रॉन में से ऑलवेज 4 माइनस कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहां एसपी में इलेक्ट्रॉन है, एसपी में कहानी क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऑलवेज 4 माइनस करोगे, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो 12 में से 4 चला गया, कितना बचा, 8, 8। इसका दो कैटेगरी होता था, ये जितना रहेगा, अगर 6 या फिर 6 से कम रहता तो 2 से डिवाइड करते, और 6 नहीं, 6 से ज्यादा अगर रहेगा तो जितना ज्यादा रहेगा उसी से माइनस कर देंगे, तो 6 को पकड़ के रख लो, 6 को पकड़ के रख लो और जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताओ, 2 ज्यादा है तो 2 से माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा बच्चा लोग देखो, तो 6 में से 2 चला गया तो कितना, 4 और बटा 2, मतलब यहां से क्या आ गया, 2 आंसर। बात समझ में आ गया? ये अभी तुमको हम तरीका सिखाए, इसीलिए तुम्हारा थोड़ा सा लेट लगा, लेकिन अगर तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, इस ट्रिक को समझ जाओगे, तो किसी भी मॉलिक्यूल का तुम बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बच्चा लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ट्रिक ये बोलता है सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का निकालना है तो दोनों एटम का मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहां तक कहानी समझ गया। एस में अगर जो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस वाला है, तो ऑलवेज तुम क्या करोगे, 2 के पकड़ के रखोगे, जितना ज्यादा रहेगा उसको माइनस करोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे, वही तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन अगर पी में है, एस और पी दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो तुमको ऑलवेज 4 माइनस कर देना है, ऑलवेज 4 माइनस कर देना है। यहां तक बात समझ में आ गया होगा, 4 माइनस कर दोगे, उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर 6 रहेगा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 से कम, तो ऑलवेज 2
से डिवाइड करना है जो आएगा बॉर्न ऑर्डर। लेकिन अगर 6 से ज्यादा रहेगा तो क्या करना है बच्चा लोग, 6 को पकड़ के रख लेना है और जितना ज्यादा रहेगा उसको माइनस कर देना है। 6 को पकड़ के रख लेना है और ये 6 से जितना ज्यादा रहेगा उसको माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, जितना आएगा वही बॉन्ड ऑर्डर का आएगा। एग्जांपल तुमको बहुत अच्छे से समझाए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 है, एक हीलियम का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और s में प्रेजेंट है, तो 2 हीलियम का 2 और 2 4 हो गया और s में प्रेजेंट है इसलिए 2 को पकड़ के रखेंगे और जितना ज्यादा है उसको घटा देंगे, यहां 4 है तो 2 ज्यादा है तो माइनस कर दिए 2 डिवाइड बाय 2, इसका वैलेंस ये बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया 0। इसमें अगर तुम देखोगे s और p में प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो sp में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एक ऑक्सीजन का है तो 6 और जो देखिए 2 ऑक्सीजन 6 12 हो गया। हमेशा 4 से माइनस करना है, क्यों, क्योंकि sp है यहां, sp में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऑलवेज 4 से माइनस करोगे, 4 से 8 इलेक्ट्रॉन रहा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचा इसमें अगर 6 रहता तो 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन 6 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, जितना 6 को पकड़ के रख लेंगे और जितना ज्यादा है बच्चा लोग उसको माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, और 6 में से 2 चला गया तो कितना बच गया 4। ये आ गया तुम्हारा यहां तक का कहानी। अब यहां से देखो क्वेश्चन बोला है कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो बच्चा लोग, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो 0, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझा, तो यहां से तुम्हारा क्या आ गया बताओ, ये तुम्हारा आ गया हेलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर है कुछ 2 है, इसलिए एग्जिस्ट करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहानी समझ में आ गया, तो ये बॉन्ड ऑर्डर का कहानी तुमको बताए और कुछ कैलकुलेट करने का तरीका बताए, क्यों, क्योंकि इसलिए कैलकुलेट अगर तुम करना जान गया तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, तुम सॉल्व कर सकते हो। मेरा मकसद ये है कि तुम सीख जाओ, तुम क्वेश्चन को बनाना सीख जाओ, अगर तुम क्वेश्चन को बनाना सीख जाते हो तो तुम आसानी से क्या करोगे किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। बात समझ में आ गया तो जल्दी ये फोटो छाप लो बच्चा लोग, जल्दी इधर जो क्वेश्चन तुमको ट्रिक बताए बॉन्ड ऑर्डर का वो जल्दी छाप लेना है, फिर जानते हो ये ऑक्सीजन का तुमको निकाल दिया, लिथियम और ये कार्बन का भी हम निकाल के दिखाते हैं, कार्बन 2 ये मॉलिक्यूल है, कार्बन का मॉलिक्यूल और लिथियम मॉलिक्यूल ये भी निकाल के दिखाते हैं तुम्हारा, और देखोगे क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, अगर होता है तो कितना होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा हमको समझना है। तो ये फिलहाल तुम लिख लो जल्दी फटाफट, एकदम इसी तरह से लिखोगे बच्चा लोग तब तुमको समझ में आएगा, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। बिना देर चलो ठीक है अगर तुम चाहोगे तो ये हम मिटा दे रहे हैं, ये तरीका तुमको हम समझा दिए। उसके बाद अब तुमको क्या करना है, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बात आ गया बच्चा लोग तो क्या करोगे, जैसे मेरे पास क्या आ गया बच्चा लोग कार्बन 2, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो सबसे पहले क्या करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होगा 1s2 2s2 n 2p2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा किसका कार्बन का, कार्बन क्योंकि प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो s और p वाला प्रेजेंट है, टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो एक कार्बन का 4 है बच्चा लोग, तो दो कार्बन का क्या लगा 4 8 हो जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी टोटल आता है अगर sp ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ऑलवेज 4 से माइनस करोगे, तो 8 में से 4 माइनस कर दो तो कितना बच गया बच्चा लोग 4। अब उसके बाद ये तुम्हारा पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, ये अब तीसरा स्टेप का बात करते हैं बच्चा लोग, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन आया 6 या फिर 6 से कम रहेगा तो ऑलवेज 2 से डिवाइड करोगे, तो यहां 6 से तुम्हारा क्या है कम है तो यहां से 4/2 से डिवाइड कर दो, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया बच्चा लोग, ये 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। कहानी समझ में आता है, चलो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसका, ये पता चल गया ना कार्बन वाला का, अब लिथियम 2 का बात करते हैं बच्चा लोग, लिथियम 2 का क्या करें, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें लिथियम का तो 1s2 2s1 होता है बच्चा लोग, तो 2s1 हो गया मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक लिथियम का क्या हो गया 1, तो दो लिथियम का 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट है, सिर्फ s में प्रेजेंट है, इसीलिए 2 को पकड़ के रखेंगे, जितना बचेगा उसको माइनस कर देंगे, तो यहां 2 है 2 को पकड़ के रखें कुछ बचा ही नहीं तो 0 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो
तो यहाँ टू में से जीरो चला गया, टू बचा और टू बाई टू तुम्हारा क्या हो गया वन। तो इसका मतलब कि इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा कितना है वन, इसमें तुम्हारा कितना है टू, और इसमें भी तुम्हारा टू था, इसमें क्या था जीरो। तो कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा बताओ, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा बताओ, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहानी समझ में आ गया हो, अगर कहानी अगर समझ में आ गया हो तो फोटो अब छाप लो, अब इधर आ जाओ, क्वेश्चंस को भी देखो और फोटो छापने का भी प्रयास करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोई दिक्कत है बच्चा लोग, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो तुम बहुत आसानी से क्या करना चाहोगे, बना लेना चाहोगे या फिर बनाओगे। बात समझ में आया? चलो ठीक है बच्चा लोग, एकदम बढ़िया से समझते चलना। चलो ये क्वेश्चन को हम डील करने का कोशिश किए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है, हम मिटा देते हैं। तो कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? हीलियम 2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तुम दिमाग में एकदम बैठाल, ठीक है। वैसे तुम पहले भी जान सकता था इसको, करे हीलियम है, नोबेल गैस है, वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो और वो हीलियम नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझा? तो तुम कैलकुलेट करके निकालोगे। वैसे तुम हीलियम मार सकते हो, नोबेल गैस भैया ये बॉन्ड किसी के साथ बनाता ही नहीं। चलो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकेल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH। बात को समझना, जब सॉल्युबिलिटी का बात करें तो समझ जाना बच्चा लोग ये कहां का क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है। कहां का है? इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है, जो क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे ये तुमको हम समझाने का कोशिश करते हैं। यहां से देखो, ये तुम्हारा निकेल हाइड्रोक्साइड दिया है। क्या दिया बच्चा लोग बताओ? निकेल हाइड्रोक्साइड दिया है, निकेल हाइड्रोक्साइड है तुम्हारा। बात को समझना और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। हमारे पास क्या है बताओ? निकेल हाइड्रोक्साइड है, निकेल हाइड्रोक्साइड है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? निकेल हाइड्रोक्साइड। इसको तुम तोड़ो, अगर ये टूटेगा तो ये क्या आ जाएगा? निकेल 2 प्लस और OH माइनस, लेकिन 2OH माइनस। कहानी समझ में आ गया? इसको अगर तोड़ोगे बच्चा लोग तो निकेल, निकेल 2 प्लस और OH, OH पर एक माइनस चार्ज होता है, 2OH माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? अगर इसका हम सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं बच्चा लोग, तो इसको सॉल्युबिलिटी मतलब S, तो इसका कितना होगा? एक, क्योंकि ये भी वन मोल है तो ये भी वन मोल, लेकिन ये कितना मोल है बताओ? टू मोल है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 2S। कहानी समझ में आया? बात समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, इसको यहीं तक रहने दो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं NaOH का, NaOH का इसको अगर तोड़ोगे बच्चा लोग तो यहां से क्या आ जाएगा? Na प्लस और क्या आ जाएगा बताओ? OH माइनस। ये बिल्कुल बचपन में पढ़ रखे हो। अगर हम बात करें इसका मोलारिटी कितना दिया है, 0.1 मोलर NaOH, ये कंसंट्रेशन दे रखा है। तो यहां से अगर तुम कहो 0.1 मोलर, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0.1, और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0.1। कहानी समझ में आ गया? अब यहां से क्या कहता है बच्चा लोग, ध्यान देना। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बात करें, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ध्यान देना, या फिर आयोनिक प्रोडक्ट, यही तुम्हारा कहानी है। बात को बहुत अच्छे से समझोगे। यहां क्या बोलता है? गिवन दैट द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ NaOH इज इतना। आयोनिक प्रोडक्ट का अगर बात करें, वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल आता है। आयोनिक प्रोडक्ट का बात करें तो आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग? तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल 2 प्लस, समझना, और यहां तुम्हारा क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और जितना कॉफिशियंट रहेगा ना बच्चा लोग, कितना जितना कॉफिशियंट रहेगा उसका पावर चढ़ा देंगे। बात समझ गया? अब यहां से तुमको देखो, ये कहानी तुम्हारा क्या हो गया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S तुमको पता, ये निकेल तुमको पता चल रहा है, यस ठीक है, ये तो पता चल गया। OH का कंसंट्रेशन कितना है? तो यहां 2S है और यहां तुम्हारा क्या है बताओ? 0.1। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 2S प्लस 0.1। अरे हो गया कि नहीं? तो यहां तुम क्या कर दोगे? 2S प्लस 0.1 हो गया बच्चा। कोई दिक्कत? बात को समझ में आ गया? बात बिल्कुल समझ सकते हो? चलो ठीक है, अब इसको तुम्हारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ निकेल, तुम्हारा निकेल OH का तुम्हारा दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है बताओ, कितना दिया हुआ है बताओ? ये दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵। तो यहां तुम कर दो 2 × 10⁻⁵।
बात समझ में आ गया। अब यहां से तुम क्या करोगे एस, अब इसको सॉल्व करोगे बच्चा लोग, तो यहां से तुम्हारा देखो ये आ जाएगा 4a, देखो यहां से सॉल्व करो इसको, अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा बताओ 4s स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, अरे समझ रहे हो, अब प्लस क्या आ जाएगा बच्चा लोग बताओ प्लस 2ab, तो 2a, a का मतलब क्या हो गया बताओ, a का मतलब क्या हो गया 2s और b का मतलब क्या हो गया 0.1, तो ये गुना हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया गुना हो गया, अरे बात समझ रहे हो, तो ये कहानी को तुम थोड़ा सा क्या करोगे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया बच्चा लोग, ये s हो गया और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये हम लोग क्या करते हैं 4s स्क्वायर और यहां से प्लस हो गया और ये इसको करोगे 0.01 आएगा, तुम देख लो करो दो गुना करोगे 0.01 और प्लस यहां कितना आ गया बताओ, यहां आ गया 2 × 4 और यहां से क्या आ गया बताओ तो 0.4s, देख रहे हो। अब यहां से तुम क्या करोगे, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बात करो ये सभी में जाएगा कि नहीं, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, दिख रहा है यार इधर आ जाओ, ठीक है, इसका अगर यदि सभी में अगर यदि करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4s³ प्लस यहां क्या हो जाएगा 0.01s प्लस 0.4s² बच्चा लोग ध्यान दो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का अगर हम बात करें तो एस क्यूब तुम्हारा हो नहीं सकता, एस क्यूब तुम्हारा हो नहीं सकता और एस स्क्वायर भी तुम्हारा हो नहीं सकता, ये नेगलेक्ट कर देते हम लोग, सिर्फ एस हमारा लेते हैं, बात समझ में आ गया, बात समझ रहे हो, ये एस क्यूब तुम्हारा नेगलेक्ट कर देना है और एस स्क्वायर भी तुमको क्या करना है नेगलेक्ट कर देना है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एस वाला आ गया, तो क्या करोगे बताओ 2 × 10⁻⁵ था is equal to तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ 0.01s, तो सॉल्युबिलिटी तुम निकालोगे तो ये क्या हो गया 2 × 10⁻⁵ क्या −5 डिवाइडेड बाय यहां से क्या हो जाएगा बच्चा लोग 10⁸ तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ 0.01, कहानी समझ में आ गया, तो ये कहानी समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां से तुम अगर करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये 10⁻⁶ निकल के रूप पर जाएगा, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ − 5 × 10⁻² है ना, जीरो करोगे करोगे तो ये तुम्हारा 10⁻⁶ हो, अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 10⁻⁶ कितना आ गया −3 और ये हो गया सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी कितना आ गया बच्चा लोग बताओ 10⁻⁶ 2 × 10⁻³ क्या है इसमें कहीं, ओ, नहीं ये तुम्हारा यहां 13 गड़बड़ दिया है, ये तुम्हारा −3 होगा और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चा लोग पहला नंबर, ठीक है, तो ये कहानी है, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से था, जब भी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आएगा सॉल्युबिलिटी निकालो, अगर तुमको और आसान करना है तो ये 2s प्लस 0.1 लिए हो, ये नेग्लिजिबल करके 0.1 ही ले लो तुम, ठीक है, इसको ये 2s तुम्हारा नेग्लेक्ट हो जाता है और ये तुम्हारा 0.1 ही कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है, तो ये 2s नेगलेक्ट कर दोगे 0.1 है तो उसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा बताओ 0.01 और ये s तो रहेगा और उतना सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इस तरह से तुम ये क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तुम देख लो सॉल्व करके, चलो हो गया बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, क्या बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये नीचे जो दिया गया है वो कौन सा स्टेटमेंट सही है, अगर यहां हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट मतलब ठंडा करने के लिए हम लोग का यूज किया जाता है फॉर आइसक्रीम, बिल्कुल नहीं बच्चा लोग, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बात करो तो इसे थोड़ी ना आइसक्रीम को रेफ्रिजरेट किया जाता है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड में रहता मतलब ड्राई आइस इसको बोलते हैं, तो ड्राई आइस का यूज करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में, ये गैस वाला का यूज नहीं करते, वो बिल्कुल सही जवाब नहीं है, ये करेक्ट नहीं है बच्चा लोग, फिर यहां क्या बोलता है द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 कंटेन 12 6 मेंबर रिंग कार्बन रिंग एंड 25 मेंबर कार्बन रिंग, ये बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा क्या है कि इसमें क्या होता है कि 12 जो तुम्हारा 6 मेंबर दिया है वो 26 मेंबर होता है और यहां 25 मेंबर दिया है वहां 12 5 मेंबर होता है, मतलब उल्टा दे दिया है, मतलब ये भी स्टेटमेंट तुम्हारा सही नहीं है,
तो बोलता है कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई, तो यहां से क्या बोलता है ZSM5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट, एक प्रकार का कैटालिस्ट है बच्चा लोग, इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। बिल्कुल सही जवाब। ये देखो ये तुम्हारा जो ZSM है ना 5, वो एक टाइप ऑफ जियोलाइट है, जियोलाइट करने वाला एक टाइप ऑफ कैटालिस्ट है जो क्या करता है एल्कोहल को गैसोलीन बनाता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन कराता है, ठीक है, ये तरह तरह का रिएक्शन को कन्वर्ट करने में काम करता है, इसीलिए ये एल्कोहल गैसोलीन में कन्वर्ट करेगा। ये बिल्कुल सही है। और फिर क्या बोलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, ये भी सही है। मतलब यहां से तुम्हारा जो सही आंसर निकल के आ रहा है बच्चा लोग, वो सी और डी ऑप्शन दोनों आ रहा है। बात समझ में आ गया? तो ये जो स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट में सी और डी दोनों आंसर सही है। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, जल्दी छाप लो इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम चैप्टर से है तुम्हारा, देख लो ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से है जो क्लास 11th का है। क्या बोलता है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर सुक्रोज में पानी में आते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, इफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज इतना 2 × 10⁻³ एट टेम्परेचर 300 केल्विन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ये पूछ रखा है। एट द सेम टेम्परेचर विल बी, ये क्या होगा, चार ऑप्शन दे रखा है। देखो बच्चा लोग, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, गिब्स फ्री एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछता हो तो तुम क्या करोगे, इस थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को दिमाग में रखना, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या है, तो होता क्या है कि गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस आरटी, आर तुम्हारा गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर, एलएन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ये तुम दिमाग में रखोगे। बात समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, हम लोग बात कर रहे हैं ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में, तभी तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का बात कर रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेज जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट का हम बात करेंगे तो उसमें तुम्हारा जो गिब्स फ्री एनर्जी रहेगा वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा बताओ, जीरो होगा। इक्विलिब्रियम स्टेज में गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू ऑलवेज, यहां बार बार यूज कर रहे हैं ऑलवेज का, तो ऑलवेज क्या होगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया बच्चा लोग, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, जीरो बराबर। बात को समझना, ये डेल आर और ये जी स्टार प्लस आर टी और एल एन, यहां एल एन और के हो जाएगा, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी के लिए ये इधर ले जाओ तो इधर क्या हो जाएगा बच्चा लोग बताओ, डेल आर जी और स्टैंडर्ड और ये इज इक्वल टू, ये अगर इधर ले जाओगे तो माइनस होगा आर टी और एल एन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर सबका वैल्यू पुट करोगे, डेल आर जी स्टार यही ना पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर क्या होगा बताओ, तो यहां तुम देखो ये माइनस रहेगा, आर का वैल्यू क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, अरे ठीक है, और इनटू टेम्परेचर कितना दे रखा है बताओ, टेम्परेचर इधर आ सकते हो, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, अरे बात समझ रहे हो, और क्या हो जाएगा एलएन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना दे रखा है देखो 2 × 10³, अरे बात समझ रहे हो, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, -8.314 जूल पर केल्विन पर मोल 300 × ln और 2 × 10³। बस 3 को 13 लिया हुआ, 3 कैसे लिख सकते हो, 13 है ना, तो ये आंसर हो गया बच्चा लोग। इसको सॉल्व नहीं करने बोला है, ऐसा ही ऑप्शन दे रखा है, देख लो यहां तो कौन सा आंसर सही होगा, देख लो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.3 माइनस में होना चाहिए 8. जूल पर मोल पर केल्विन, बात बराबर है पर केल्विन पर मोल, हां 300, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, देख लो ए नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से तुम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। वो इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को तुम दिमाग में रखोगे
वो है एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आरटी एलएन, एलएन मतलब लॉ जो ई के बेस में है, इक्विलिब्रियम के बराबर होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहां से है, पांचवा क्वेश्चन को देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से पूछा जाता ये कहीं मालूम नहीं चलता, बात समझ रहे हो, पूरा मिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। हम तरीका तुमको बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और छठा नंबर क्वेश्चन तुम्हारा सॉलिड स्टेट से दे रखा है, ठीक है। अब हम एक एक करके दोनों को बनाते हैं, बढ़िया से समझ रहे। पांचवा क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां तुम्हारा क्या दे रखा है, CH3 और ये तुम्हारा बेंजीन के ऊपर CH3 बस। तो और यहां दे रखा है कि Cl2 हम डालते हैं और सनलाइट, ये HNU का मतलब होता है सनलाइट, है ना, ये सनलाइट डाल रहे हैं। बच्चा लोग जब भी तुम दिमाग में रखना, कभी भी दिमाग में रखना, अगर सनलाइट डाल दे और यहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये ऑलवेज रिंग में ना जुड़कर कहां जुड़ेगा, ये अल्केन वाला ग्रुप में जुड़ेगा, अल्काइल ग्रुप में जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे, कुछ नहीं, इसका H और इसका Cl बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा, HCl बाहर, और यहां बन क्या जाएगा बच्चा लोग, ये बेंजीन रिंग रहेगा और यहां CH2 होगा और यहां Cl हो जाएगा। बात को समझना बच्चा लोग, अगर तुम इसको धूपे में छोड़ देते हो, Cl2 है और सनलाइट, इसको तुम अगर सनलाइट में छोड़ देते हो, सनलाइट में ही छोड़ देते हो, तो यह फर्दर रिएक्शन कर जाता है, क्या कर जाता है बताओ, ये फर्दर रिएक्शन कर जाता है और कुछ बनाता है, ये HCl तुम्हारा क्या हो जाता है, H और Cl बाहर हो जाता है और ये तुम्हारा क्या हो जाता है बच्चा लोग बताओ, ये एक H बचा और Cl दो को जुड़ गया। और अगर फिर से धूपे में छोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर Cl2 उसमें है और सनलाइट तुम डालिए रहो अभी भी, तो फिर से H तुम्हारा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और बन जाता है क्या बच्चा लोग, सी एक केला बच जाएगा और Cl3 जुड़ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यहां से समझो, कुल मिलाकर हम ये तुमको समझाना चाह रहे हैं कि जब भी सनलाइट अगर किसी अल्केन के ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो तब तक रिएक्शन करते रहेगा जब तक उसका हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, वो रिंग के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो अल्काइल ग्रुप या फिर अल्केन के साथ तुम्हारा क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो यहां तो बात समझ में आ गया। तुमको एक और फैक्ट हम बता देते हैं जो दिमाग में रखोगे बच्चा लोग, अगर यही बेंजीन रिंग अगर Cl2 डाला हुआ रहता और FeCl3 रहता, यहां सनलाइट के जगह में अगर लेविस एसिड FeCl3 रहता तो ये Cl उसमें ना जुड़कर बेंजीन रिंग में जुड़ता। अब बेंजीन रिंग में कहां जुड़ेगा, तो देखो अगर ये कोई ग्रुप है, ये ग्रुप है और ग्रुप ये कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। अगर डोनेटिंग ग्रुप रहे, अगर क्या रहे, डोनेटिंग ग्रुप, तो इस पोजिशन ग्रुप का पोजिशन को हम लोग ऑर्थो पोजिशन कहते हैं, मेटा कहते हैं, इसको पारा कहते हैं। अगर डोनेटिंग ग्रुप रहता है ना बच्चा लोग, ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शो कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना, प्लस आई इफेक्ट मतलब डोनेट करने वाला ग्रुप, इतना जान दो। अब ये डोनेटिंग ग्रुप है और आने वाला ग्रुप को कहां भेजेगा, तो ऑलवेज डोनेटिंग ग्रुप कहां भेजता है, ऑर्थो और पारा। ये पड़ोसी वाला ऑर्थो हो गया, ऑर्थो का पड़ोसी मेटा, मेटा का पड़ोसी क्या, पारा। तो ऑर्थो और पारा पोजिशन पर भेजता है। वही अगर विथ ड्रॉइंग ग्रुप रहता, खींचने वाला ग्रुप रहता, तो ऑलवेज कहां भेजता, मेटा पोजिशन पर भेजता। इतना दिमाग में तुम क्या करोगे, रख लोगे। तो यहां एक प्रोडक्ट बना देते हैं, ये खंबा तुमको हम बताए सिर्फ खींच के कि ऑर्थो मेटा और पारा समझाए, तो ये कहां जाएगा बताओ, ऑर्थो और ये तुम्हारा ऑर्थो और पारा पर, तो ये बेंजीन रिंग CH3 और इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे, यहाँ Cl और एक और तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, दो तरह दो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा Cl। ये तुम कहीं खोपड़ी में ऐसा ही सिर्फ रख लेना कि ये दोनों सिमिलर सिमिलर लग रहा है, लेकिन यहाँ सनलाइट है, यहाँ FeCl3 है, FeCl3 रहेगा, लेविस एसिड रहेगा, तो ये तुम्हारा दो प्रोडक्ट बनाओगे, ऑर्थो पारा रिंग के साथ रिएक्शन करेगा और अगर सनलाइट रहेगा तो वो तुम्हारा बाहरी के साथ रिएक्शन करेगा, अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके कुछ ऐसा बनाएगा। हम लोग का मुद्दा क्या है कि बेंजाल्डिहाइड, इसमें इसका नाम हो बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम होता है टॉलिन बच्चा लोग, तो इस बेंजाल्डिहाइड आखिर बनेगा कैसे, तो अब क्या कर रहा है कि ये जो तुम्हारा बना होगा उसमें पानी डालेंगे तब ये बनेगा। तो ये देखो, ये भी बना है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये तीनों में चेक करेंगे बच्चा लोग कि पानी डालकर आखिर किसमें एल्डिहाइड बनता हो। तो ध्यान देना, बढ़िया से ध्यान देना, अगर हम बात करें ये बेंजीन और यहाँ CH2 है और एक Cl है, इसमें तुम वाटर डाल दिया और 100 डिग्री सेल्सियस दबकाया है ना, 373 का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये तुम दबका दिया इसको,
ये बॉइल करा दिया, जैसे कि इसका एच और इसका सीएल क्या होता है, एचसीएल बाहर और ओएच जाके जुड़ जाता है, मतलब कुल मिलाकर ये CH2 और OH हो गया बच्चों। अब इसको तुम गौर से देखो, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया, इसका नाम क्या होता है बताओ, बेंजाइल अल्कोहल। हम तुमको पूरे रिएक्शन समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे तुम दिमाग में रख सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। जब भी इस तरह का रिएक्शन आए तो क्या बनाओगे, बेंजाइल अल्कोहल बनाओगे। नेक्स्ट तुम्हारा अगर हम बात करें दूसरा, तो बेंजाइल अल्कोहल तो बना नहीं है, यहां बेंजाइल डिहाइड बनाया बच्चा लोग, तो ये तो तुम्हारा कामयाब नहीं हुआ। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो ये बेंजीन है और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, CH और दो गो CL है और H2O अगर तुम जोड़ दोगे तो यहां से क्या हो जाता है बच्चा लोग, बात को समझना, यहां से हो ये जाता है, एक कार्बन में एक एस था और दो CL था इसलिए दो OH आ गया और दो गो HCl बाहर निकल गया, तो यहां दो गो HCl तुम्हारा बाहर निकल गया। वाटर से दो मॉलिक्यूल लगा दो, एक एच एक सीएल बाहर, एक और एच एक सीएल बाहर और दो को OH जुड़ गया। और होता क्या है, एक कार्बन में दो OH कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, इसीलिए होता यह है बच्चा लोग, थोड़ा सा समझना, ये अपना लोन पेयर यहां प्रोवाइड करता है, ये OH पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसका OH और इसका H पूरे बाहर कर दो, H2O बाहर निकाल दो, ठीक है। इसका OH और इसका H पूरे बाहर कर दो, इसका OH और इसका H बाहर कर दो और ये इसका बॉन्ड इसका O से लगा दो, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग में तुम्हारा क्या हो जाएगा C और यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O और H, यही तुम्हारा बेंजल डिहाइड है बच्चा लोग, यही बेंजल डिहाइड है। इसका मतलब कि ये वाला जो ग्रुप है ना यही होगा एक्स, यहां यही होगा, पानी डाले होंगे तो ये बन गया होगा, मतलब तुम्हारा सी नंबर आंसर है बच्चा लोग, देख लो आंसर सी नंबर आंसर है, तुम देख लो, समझ में आ गया, जल्दी फोटो छाप लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी फोटो छाप लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हो गया। चलो ठीक है, ये हम मिटा दे रहे हैं बच्चा लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो है वो क्या है, ये बढ़िया से समझने का प्रयास करो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये थोड़ा समझने का प्रयास करो, बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत बढ़िया से समझोगे और बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास करोगे। क्या बोलता है देखो, यहां बोलता है एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब बीसीसी स्ट्रक्चर रखता है, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से है बच्चा लोग, 12th क्लास सॉलिड स्टेट चैप्टर से, बीसीसी स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, विद ये सेल इज तुम्हारा कितना 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज, तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा बच्चा लोग ध्यान दो, अगर हम एज लेंथ और रेडियस का रिलेशनशिप का बात करें, तुम्हारा देखो यहां एज लेंथ और रेडियस इसका रिलेशनशिप का बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में रखना, देखो तीन तरह का होता है, एक सिंपल यूनिट सेल, ये तीनों का बात दिमाग में रखना हमेशा के लिए, एक तुम्हारा होता है बीसीसी बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल और एक होता है तुम्हारा एफसीसी फेस सेंट्रेड यूनिट सेल, बात को समझना, ये सिंपल यूनिट सेल में तुम्हारा जो ए होता है मतलब एज लेंथ, वो तुम्हारा एटम में कितना होता है 2 रेडियस 2R, ये सिंपल 2R लगता है, कोई दिक्कत, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चा लोग, ये तुम्हारा यहां और सिंपल यूनिट सेल हम कहते हैं किसको है, जिसका एटम सिर्फ कोना में प्रेजेंट हो, ये यहां टच रहेगा, इसका रेडियस आर और इसका भी रेडियस आर, छोटा आर भी ले सकते हो, इसका रेडियस छोटा आर इसका रेडियस छोटा आर, तो छोटा आर, अरे बात समझा, अगर यदि मान लो ये एक दूसरे से टच रहेगा तो इसका रेडियस और ये तुम्हारा यहां से यहां तक एज लेंथ करते हैं बच्चा लोग, ठीक है, तो एज लेंथ ए हो गया तो रेडियस कितना हो गया, इसका आधा आर इसका और आधा आर इसका, मतलब 2R हो गया, तो सिंपल यूनिट सेल का कहानी कुछ ऐसा है। अब तुमको ये दोनों को ट्रिक से याद कराते हैं कैसे, एकदम भूलना नहीं और ट्रिक को दिमाग में रखना, फेस, तो फेस सेंट्रेट का पहले हम बताते हैं, फेस का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन, ए वो फेस, जैसे ये फेस है, यहां फेस का बात करें तो एक होते जैसे देख रहे हो ये 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है, उसका एक फेस नोच के ले आओ, ये कबाड़ के ले आओ, तो जैसे फेस लाओगे तो इसमें क्या होता है जानते हो बच्चा लोग, इसमें अगर तरीका हम बता दें, ये टच नहीं रहता, ठीक है, ये टच नहीं रहता, एक बीच में जो रहता है वो चारों से टच रहता है, अब ये डायगोनली इसका प्लेस करो तो इसका रेडियस इसका रेडियस इसका रेडियस इसका रेडियस, ये टोटल एटम जो होता है वो 4 रेडियस हो गया, ये टोटल 4 रेडियस, कितना रेडियस हो गया, जब भी डायगोनली कोई टच करता हो बच्चा लोग तो 4 रेडियस हो गया, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गया, अरे बात समझ रहे हो, चलो ठीक है, अब यहां से कहानी 4 रेडियस, तो फेस का 4 रेडियस, इतना ट्रिक तुमको बता रहे,
फेस तुम्हारा क्या होता है, टू डायमेंशन होता है, एक इधर और एक उधर, ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं होता फेस में, सिर्फ टू डायमेंशन होता है। तो इसका रेडियस, इसका एज लेंथ क्या लिखोगे, ए बट्टा फोर आर तो हुआ, लेकिन इस टू डायमेंशन होता है इसलिए रूट टू लगा देना, टू डायमेंशन होता है इसलिए क्या लगा देना, रूट टू। तो ये तुम्हारा आंसर निकल गया। बीसीसी का अगर बात करें तो बॉडी सेंट्रिक, बॉडी मतलब एक अंदर में घुस जाता है और ये फोर आर होता है, तो फोर आर तो तुम्हारा पक्का रहेगा ही, लेकिन इसका एज लेंथ आप क्या आ जाएगा बताओ, तो इसका फोर आर तो रहेगा बट ये थ्री डायमेंशन में होता है, बॉडी सेंट्रिक किसमें होता है, थ्री डायमेंशन में, इसलिए रूट थ्री हो गया। कोई दिक्कत, ये दिमाग में रख लेना, भूलना नहीं, ये बॉडी सेंट्रेड थ्री डायमेंशन में होता है इसलिए फोर आर बटा रूट थ्री, और ये तुम्हारा फेस सेंट्रेड किसमें होता है बताओ, टू डायमेंशन में होता है फेस, थ्री डायमेंशन में नहीं होता, टू डायमेंशन में, इसलिए रूट टू, फोर आर बटा रूट टू, ऐसे तुम दिमाग में रख लेना, अब इसको भूलोगे नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो थोड़ा समझो, ये बोलता है बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो बीसीसी मतलब क्या हो गया, ए बट्टा फोर आर बट्टा रूट थ्री हो गया कि नहीं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, चलो R बराबर यहाँ रेडियस का बात कर रहा था, R बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा रूट थ्री बट्टा फोर ए, अरे ये ना होगा बच्चा लोग, ठीक है। अब A का मतलब हो गया एज लेंथ, एज लेंथ कितना दे रखा है 288, तो R बराबर क्या हो जाएगा रूट थ्री बट्टा फोर इंटू 288। ये काट कुट नहीं करने बोला है, ये काट कुट नहीं करने बोला, ये पिकोमीटर तो रहेगा, काट कुट नहीं करने बोला, ऐसा ही रहने बोला है, रहने दे दिया है। तो रूट थ्री बाई फोर 288 पिकोमीटर किसमें है, तो देखो ए नंबर आंसर तुमको देखने को मिल रहा है, बाकी इसमें नहीं है, ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। छह क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक देखो आगे। नेक्स्ट सातवां नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से दे रखा है, जो 11th क्लास का था, बात समझ रहे हो। यहां से क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अगर हम डाइपोल मोमेंट को ऐसे प्रिडिक्ट करें किसी का, किसका जीरो होगा किसका जीरो नहीं होगा, बस इतना ही, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को, डाइपोल वैसे तुमको हम समझाए डाइपोल मोमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट, तो डाइपोल मोमेंट ध्यान देना बच्चा लोग, डाइपोल मोमेंट का कुछ हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चा लोग वो क्या होता है, तो देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जैसे मान लो H, ये देखो अगर मान लो एक कंपाउंड लेते हैं H और F, हाइड्रोजन फ्लोराइड को लेते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड को लेते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, एक वेक्टर बन जाता है, एक डायरेक्शन बन जाता है, ठीक है, तो वेक्टर डायरेक्शन जिसमें कैंसल आउट हो जाए, वेक्टर डायरेक्शन जिसमें कैंसल आउट हो जाए उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। देखो ये इधर खींच रहा है और ये बेचारा खींचा रहा है, तो इसका डाइपोल क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, बात को समझना। अगर वेक्टर डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा, कैंसिल आउट, मतलब कोई इधर से खींच रहा है और कोई इधर से भी खींच रहा है, जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, एकदम समझना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चा लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, लीनियर। अगर हम बात करें ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इधर खींचा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा और ये अपने तरफ खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, मतलब जितना कैपेसिटी से इधर खींच रहा है उतना ही कैपेसिटी से इधर कर रहा है, तो क्या कहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, इसीलिए इसका कैंसल आउट हो गया, जितना इधर खींचा उतना ही उधर खींच रहा है, तो वेक्टर डायरेक्शन कैंसल आउट हो गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया नहीं समझा फिर से बता रहे, हम ये बताए जब भी डाइपोल मोमेंट जीरो या फिर नहीं जीरो का बात किया जाए, तो हम डायरेक्ट एक ही बात दिमाग में रखेंगे कि डायरेक्शन वेक्टर को कैंसल आउट कैसे करें, तो डायरेक्शन वेक्टर अगर कैंसल आउट हो जाएगा तो वो डाइपोल मोमेंट उसका क्या हो जाएगा, जीरो। अरे बात समझा, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको रखना है, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को तुमको क्या करना है बच्चा लोग, दिमाग में रख लेना है। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन फ्लोराइड का अगर बात करें, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ, काहे, क्योंकि एक तरफा तुम्हारा खिंचा हो रहा है, इसमें दोनों तरफ बराबर खिंचा हो रहा है, तो कहीं खिंचाएगा नहीं, ये डाइपोल मोमेंट तुम्हारा क्या हो गया, जीरो। एक और अगर हम बात करें तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का बात करें, BF3 का बच्चा लोग, तो इसका तुम बताओ, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये बोरोन है और ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चा लोग, ये अपने तरफ खींच रहा है,
ये भी अपने तरफ खींच रहा है, ये भी अपने तरफ खींच रहा है, एक ऊपर और ये दोनों नीचे खींच रहा है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर काम करेगा यार? तो एक ऊपर खींच रहा है और एक नीचे आ गया, नीचे क्योंकि दोनों मिलकर इधर कोना तरफ खींच रहा है, तो रिजल्टेंट इधर काम करेगा ना, तो इसका भी तुम्हारा ऊपर और नीचे तुम्हारा कैंसल आउट हो गया वेक्टर, तो कैंसल आउट हो गया तो तुम्हारा क्या हो गया बताओ, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो ऐसा कुछ कहानी है डाइपोल मोमेंट का, ये तुम दिमाग में रखोगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कुछ सेट ऑफ मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो कौन सेट ऑफ मॉलिक्यूल है जो सभी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो ये बताओ। तो सबसे पहले क्या बोलता है, अमोनिया। तो अमोनिया का थोड़ा सा हम निकालने का कोशिश करते हैं, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पिरामिडल, ठीक है, और एक लोन पेयर भी होता है। बात को समझना बच्चा लोग, ये हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने तरफ खींचता है, ये भी अपने तरफ खींचा, ये भी अपने तरफ खींचा और ये भी अपने तरफ खींचा, तो कुल मिलाकर लोन पेयर अपना उल्टा खींचता है ना, ये अपने तरफ खींचता है, कुल मिलाकर ये सब नाइट्रोजन खींच रहा है, तो उसका डायरेक्शन जो चल जाएगा वो ऊपर तरफ चल जाएगा, कोई उसको कैंसिल आउट करने वाला नहीं है, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चा लोग ध्यान देना, ब्रिलियम डाइफ्लोराइड का बात करता था, ब्रिलियम डाइफ्लोराइड मतलब क्या हो गया, BF2, तो BF2 तुम्हारा एक F इधर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है बच्चा लोग इधर इसका, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका जानना बहुत जरूरी है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। अब ये इधर खींचता है बच्चा लोग और ये इधर खींचता है, बात को समझना, अब ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, तो कुल मिलाकर इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। देख रहे हो किसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है, ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और स्ट्रक्चर लीनियर जिसका होगा, और अगर उसका वेक्टर जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट जीरो। फिर वाटर बोलता है बच्चा लोग, वाटर, तो वाटर तुम्हारा कौन है, तो वाटर तुम्हारा उसका वी शेप स्ट्रक्चर होता है, दो लोन पेयर होता है उसके पास, बात समझ रहे हो, तो यहां से तुम अगर देखोगे इसका डाइपोल मोमेंट का कहानी, तो ये अपने तरफ खींच रहा है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, ये भी तुम्हारा अपने तरफ खींच रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो है ऊपर तरफ काम करता है, मतलब कुल मिलाकर ये भी तुम्हारा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ, कैंसल आउट नहीं हुआ ना, इसीलिए डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ, बात समझा। फिर क्या बोलता है, 1,4-dichlorobenzene, इसका डाइपोल मोमेंट देखो, तो 1,4-dichlorobenzene का अगर हम बात करें बच्चा लोग, तो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग और 1 पर क्लोरीन है और 4 पर क्लोरीन, 1, 2, 3, 4 पर क्लोरीन, तो जितना ऊपर खींच रहा है उतना ही नीचे खींच रहा है, मतलब इसका वेक्टर जो है वेक्टर डायरेक्शन वो कैंसिल आउट हो गया, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहानी समझ में आया, डाइपोल मोमेंट उसका जीरो हो जाएगा जिसका वेक्टर डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतना सारा मॉलिक्यूल हम लोग देखें, सबका डायरेक्शन वेक्टर तुम्हारा क्या है, जीरो। तो पहला सेट देखो, पहला सेट में बोलता है सभी का डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, तो अमोनिया का जीरो नहीं हुआ, तो क्या हम इसको मारेंगे, बिल्कुल नहीं, चलो ठीक है। यहां से क्या बोलता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड डायपोल मोमेंट क्या होता है बताओ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का क्या होता है, जीरो। हाइड्रोजन फ्लोराइड का जीरो नहीं हुआ, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ब्रिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर, वाटर तुम्हारा जानते हो ना, वाटर, ये तुम्हारा देख लो। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का भी अगर निकालोगे ना तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन उसका जरूरत नहीं है क्योंकि वाटर उसमें प्रेजेंट है, और वाटर अगर प्रेजेंट है और ट्राइफ्लोराइड, तो सब में एफ लगा दो ना, सिर्फ एफ लगा दो, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया और ये एफ हो गया, और इधर लोन पेयर, ये इधर खींचता है, ये इधर और ये इधर और ये इधर, ये ऊपर खींचा, ये नीचे खींचा, ये कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये और ये इधर खींच के और रिजल्टेंट इधर कर देता है, मतलब ज्यादा नीचे खींचा रहा है, इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट तुम्हारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा। कुल मिलाकर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का भी जीरो नहीं है, ब्रिलियम फ्लोराइड का है, जीरो तो है ब्रिलियम फ्लोराइड का, लेकिन सबका नहीं है। चौथा ऑप्शन देखो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। ब्रिलियम डाइफ्लोराइड, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है। 1,4-dichloride, डाइक्लोरोबेंजीन होता है, डाइक्लोरोबेंजीन है ना ऑप्शन में, तो 1,4-dichloro-benzene, तो 1,4-dichloro-benzene का भी तुम्हारा क्या होता है बताओ, डाइपोल मोमेंट जीरो। तो कौन ऐसा सेट है जिसका सभी का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया बताओ, जीरो। तो ये चौथा नंबर सेट होगा बच्चा लोग कि डाइपोल मोमेंट सबका क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, सबका डाइपोल मोमेंट हम तुमको समझाने की कोशिश किए, यही समझ में आ गया होगा, जल्दी फोटो छाप सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आगे और देखेंगे नया क्वेश्चन क्या है। टोटल 7 क्वेश्चन हो गया है, 8वां क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आठवां और नौवां क्वेश्चन को देखना है। आठवां क्वेश्चन को अगर देखें तो यहां से बोलता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये वर्ड कहीं सुनते हो इलेक्ट्रोलिसिस, तो डायरेक्ट कहो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है जो 12th क्लास में तुम पढ़ रखा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। यहां क्या बोलता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा हम समझाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि जब एक कंटेनर रहता है और कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। ये एनोड हो गया तुम्हारा, ठीक है। एनोड कैसा चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। वही अगर गैल्वेनिक सेल का बात करें तो उल्टा होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमको बताया जाएगा या फिर तुम जानते हो, ठीक है, कि अगर मान लो ये कैथोड है, यहां कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब बात को ये समझना बस, चलो यहां होता क्या है कि सॉल्यूशन, यहां H2SO4 डाल दिया, मान लो यहां क्या डाल दिया बताओ, H2SO4 डाल दिया। अब H2SO4 डाल दिया है तो बात को यहां से यह समझना, यहां डाइल्यूट H2SO4 मतलब पानी का भी मात्रा है, वाटर का भी मात्रा है। किसका मात्रा है बताओ, वाटर का। अब यहां से देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया कैथोड और ये तुम्हारा क्या हो गया एनोड। एनोड के तरफ कौन जाएगा और कैथोड के तरफ कौन जाएगा, तो ये खुद पॉजिटिव है तो इसके तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव वाला ग्रुप। कौन जाएगा बताओ, नेगेटिव वाला। और कैथोड के तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला ग्रुप। अरे बात समझा, कैथोड के तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। ये H2SO4 जब अपने आप में डिकम्पोज करता है तो यहां से देखो क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड। एनोड के तरफ क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, क्या हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन खुद प्लस चार्ज में रहना चाहता है इसीलिए हाइड्रोजन तो नहीं जा सकता, हाइड्रोजन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। बात समझ रहे हो, ऑक्सीजन कैसा नेगेटिव चार्ज वाला है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला है, मतलब ये जा सकता, ये जाएगा किधर, एनोड की तरफ। तो आंसर नंबर क्या हो गया बताओ बच्चा लोग, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन गैस जो है वो कहां रिलीज होगा, कहां प्रोडक्ट बनेगा उसका, एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तुम्हारा नेगेटिव चार्ज वाला एनायन होता है और ये तुम्हारा पॉजिटिव है एनोड की तरफ, तो एनोड की तरफ जाने वाला कोई एनायन कहते हैं और ऑक्सीजन उधर ही जाएगा। बात समझ में आया, तो ये चीज का आने तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोलिसिस से कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा दिमाग में रख लोगे। फोटो छाप सकते हो तो छाप लो या फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, तो एसीटोन का रिएक्शन कहा है, तो एसीटोन का पहले फोटो छापो, तो CH3 C=O और CH3, इसको एसीटोन कहते हैं, ठीक है। और बोलता है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मतलब CH3, ठीक है, मैग्नीशियम मतलब Mg और क्लोराइड मतलब Cl। ये मेटल है इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नॉन मेटल है इसलिए तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल के जाता, ये न्यूक्लियोफाइल के जाता बिहेव करता है। अब तुम देखो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए पार्शियली चार्ज डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचा गया है। अब क्या कहता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव कौन सा कंपाउंड। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट के नाम से भी पुकारते हैं। बात समझा, ये तुम्हारा RMgX हो गया, वो तुम्हारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी पुकारते हैं। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचा है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास कमी हो गया, तो जो उसके पास कमी हो गया वही ना जाएगा, तो ये यहां जाके भिड़ता है, जिसका मुड़ी खुल जाता है, तो क्या हो जाता है बताओ चलो, तो ये CH3 हो गया, रहने दो, इधर दिखेगा कि नहीं, हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया सी, और यहाँ क्या हो गया ओ और माइनस, ये पूरे माइनस हो गया। अब ये उछल के मैग्नीशियम जो है वो कहां चला जाएगा, उसके पास, पॉजिटिव कहां जाता है, जहां नेगेटिव होता है। बात समझ रहे हो, और ये CH3 यहां जुड़ गया। अब कहता है क्या, CH3 CH3 लिख रहे हैं, चलो ये सी और फिर H और फिर 3 है ना, CH3 यहां जुड़ जाएगा। अब इसमें पानी डाल देंगे, तो पानी में तुम्हारा क्या होता है HOH, H प्लस में रहता है, OH किस में रहता है, माइनस, तो इसका नेगेटिव किस पर अटैक करेगा बताओ, पॉजिटिव पर, ये नेगेटिव एच को ले लेगा, तो यहां से तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये CH3 है और ये सी और यहां हो गया OH, ओ के साथ एच चला गया, बाकी ये नेगेटिव कहां चला आएगा, Mg के साथ, तो यहां CH3 तो रहेगा, यहां भी तुम्हारा क्या हो जाएगा CH3 और बन क्या जाएगा Mg OH और Cl। हमको ये देखना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखोगे तो देखो अल्कोहल वैसा कार्बन में जुड़ा हुआ है कि ये कितना कार्बन से जुड़ रखा है, 3 कार्बन से जुड़ रखा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर टर्ट ब्यूटाइल, 4 कार्बन है ना, टर्ट बोल दिए और 1 2 3 4 कार्बन, तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, वही टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, आई कॉमन नेम के लिए आई लगाओगे तो टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट की टर्सरी है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, चलो बताओ, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, बहुत आराम आराम से तुम मार सकते हो इसको, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गया, जल्दी फोटो छाप लो, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहां क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर का बात करें, पी ब्लॉक का दिलाता है ना, पी ब्लॉक का एलिमेंट 12th क्लास पढ़ोगे वहां देखोगे या फिर देखा होगा ये ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर को, ठीक है। यहां से बोलता हैज ये ओ लिंकेज, ओ लिंकेज मतलब परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब परऑक्साइड लिंकेज, ये बहुत सारा कंपाउंड दे रखा है, 4 कंपाउंड, और उसमें बोलता है ये लिंकेज किस में होगा, अगर थोड़ा सा भी बुद्धि लगाओगे ना तो आसानी से बन जाएगा, ये नाम पढ़ो इसका, सल्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो शब्द का यूज किया तो परऑक्साइड लिंकेज उसी में ना यूज होगा, कहानी समझ रहे हो, लेकिन तुम कहोगे नहीं सर इसको बना दिखाइए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, वैसे इसका आंसर परऑक्सो देख के तुम सी मार सकते हो, लेकिन गलती ना हो जाए इसलिए बना के सेटिस्फाइड भी हो लेते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वैसे होगा नहीं, परऑक्सो समझ में आ गया, ऐसे ही बनाओगे। वैसे स्ट्रक्चर तुमको हम दिखा देते हैं, H2S का स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा देखें तो H2S ये तुम्हारा H2SO3 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो S डबल बॉन्ड O, एक O इधर होता है एक O इधर होता है, H और H, बात समझ गया, ये थोड़ा सा ऑक्सो एसिड होता है, क्या इसमें ओ बॉन्ड कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। नेक्स्ट अगर हम बताएं तो देखो बच्चा लोग जैसे H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक इधर O OH OH, बात समझ गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, क्या OO लिंकेज इसमें देख रहे हो, बिल्कुल नहीं। हाँ नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, H2S2O8, अब ध्यान दो सल्फर है तो दो सल्फर, एक सल्फर का मुड़ी यहां तुम ओ कर दो, एक सल्फर का यहां मुड़ी तुम ओ कर दो, बात समझ रहे हो, और पहले OH इधर लगा दो, OH इधर लगा दो, अब ऑक्सीजन को देखो कितना बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन खत्म हो गया, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, बीच में लगा दो, ये तुम देखो इसका स्ट्रक्चर, यहां पर ऑक्सो लिंकेज है, परऑक्साइड का लिंकेज है, दिस वन इज परऑक्साइड लिंकेज, तो परऑक्साइड लिंकेज का है तो मतलब सी नंबर आंसर होगा। लेकिन चौथा का भी स्ट्रक्चर तुम देख लो, बहुत आसान सा है, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये S 2 है इसलिए 2 तुम्हारा लगा देना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इधर OH इधर OH, कहानी समझ में आया, ठीक है। अब 3 और 3 6 खत्म हो गया, 7 दिया हुआ, तो एक ऑक्सीजन लगा दो, दिस वन इज परऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, अरे बात समझ रहे हो, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है बच्चा लोग थोड़ा दिमाग में रखना, मार्शल एसिड भी बोलते हैं, मार्शल एसिड भी कहते हैं इसको, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में इसको क्या करोगे रख लोगे, जल्दी फोटो छाप लो सबका, और ये सी नंबर आंसर तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ये ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, छाप लिया है, चलो ठीक है छाप लिया, बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनाते हैं, समझना सिर्फ बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो तो हम लोग समझेंगे कुछ नया क्वेश्चन, जो तुम्हारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है बताओ, बात को समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन, अमीन से लिखो, विल गिव द कार्बाइल टेस्ट, कार्बाइल टेस्ट को पहले जान लो, कार्बाइल टेस्ट किसको कहते हैं, ये देखो इसको कार्बाइलामाइन रिएक्शन भी बोलते हैं, कार्बाइलामाइन रिएक्शन भी कहते हैं, तो कार्बाइल टेस्ट को कार्बाइलामाइन रिएक्शन भी कहते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना, और इसमें होता क्या है, ऑलवेज प्राइमरी अमीन लेते हैं, कौन सा अमीन, प्राइमरी अमीन कहने का मतलब कि नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन होना ही चाहिए, वही टेस्ट दे सकता है ये या फिर नहीं देगा, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं,
टोटल 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, काहे इसका 3Na और इसका 3Cl, बहुत अच्छा रिलेशनशिप में रहता है NaCl, 3NaCl तुम्हारा क्या रहता बाहर। अब देखो इसका 3OH यहां था और यहां 2H यहां है और 1H यहां है, टोटल 3H प्लस भी आ गया, तो 3 क्या निकल जाएगा बाहर, H2O निकल जाएगा बाहर, बात समझ रहे हो। अरे 3OH देखो, 3OH और 1H यहां और 2H यहां, तो 3OH और 3H हो गया, 2 और 18 H, तो वो H2O बन के तुम्हारा बाहर निकल गया। अब बचा क्या, तो R बचा है, N बचा है, और यहां ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, C बच गया, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन ही तुम्हारा क्या करता है, ये टेस्ट को देता है। तो सिर्फ और सिर्फ आइसोसाइनाइड कौन बना सकता है बताओ, तो प्राइमरी अमीन बना सकता है, प्राइमरी 1 डिग्री अमीन, और 1 डिग्री अमीन किसको कहेंगे, जिसका नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन होना ही चाहिए, वही प्राइमरी अमीन है। देख लो अब इसका ऑप्शन तुम देखो, इसमें से कौन तुम्हारा क्या है, देखो इसमें से कौन तुम्हारा अमीन है, अब देखो इसका तुम्हारा 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो प्राइमरी अमीन ये होगा, इसमें एक एक हाइड्रोजन है ये नहीं हो सकता, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है नहीं हो सकता, इसमें एक हाइड्रोजन नहीं हो सकता, प्राइमरी अमीन आंसर हो गया, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया, जल्दी फोटो छाप लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और फिर आगे देखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, जो 12वां नंबर क्वेश्चन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से है, जो 12th क्लास का है, और ये 13वां नंबर जो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है 11th क्लास से है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोनों को समझाते हैं, बढ़िया समझो। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट का बात करते हैं तो कॉन्स्टेंट समझो, मैग्नेटिक मोमेंट का बात करते हैं, किसका बात करते हैं बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का बात करते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है बच्चा लोग, ऑलवेज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज क्या करोगे, म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एन, एन प्लस 2 वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये सिर्फ यही। अब एन क्या है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट का बात करेगा तो ऑलवेज तुम्हारा क्या होगा, म्यू, म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, रूट अंडर एन, एन प्लस 2 बीएम, एन प्लस 2, एन तुम्हारा क्या है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना पुट कर दोगे और तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा। यहां किसका बोला है, सीआर 2 प्लस कैलकुलेट करने का, तो सीआर 2 प्लस अगर तुम देखोगे, सीआर का 2 प्लस ये 24 होता है इसका क्या एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बच्चा तो आर्गन तुम्हारा क्या जाएगा 18 4s 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया है, और 3d कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चा लोग, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, देख लो यार 2 प्लस का कर रहे हैं लोग है ना, तो ये 18 और 4 कितना हो गया 22 हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो एक s से गया एक d से गया है ना, इसका एक्चुअल में जब 2 प्लस नहीं होता तो क्या होता 4s 1 and 3d 5 होता, स्टेबिलिटी मेंटेन करता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो 1 इलेक्ट्रॉन एस से निकालो 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकालो तो ये 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4, तो डी में वास्तव में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4, और डी में कितना ऑर्बिटल होता बच्चा लोग बताओ 1 2 3 4 5, 4 इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 और क्या 4, 5वां डब्बा खाली है। अब तुम बताओ कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना दिख रहा है, अरे अनपेयर का मतलब होता है जो सिंगल रहे है ना, पेयर का मतलब जो डबल हो गया ठीक है उसको पेयर करते हैं, तो अनपेयर का इलेक्ट्रॉन का कितना संख्या दिख रहा है 4, अब क्या करोगे 4 तुम इसमें पुट करोगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 4 4 + 2 और बीएम, अब यहां से तुम देखो ये 4 हो गया रूट अंडर 4 और 2 6 6 6 24, तो ये 24 हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बीएम, अब आंसर करो 25 रहता तो 5 होता तो ये 4.9 लगभग हो जाएगा है ना, इसका रूट तो 4.9 आंसर होना चाहिए, कौन सा है बी नंबर आंसर है बच्चा लोग 4.9, कोई दिक्कत नहीं है, तो फोटो छाप लो जल्दी जल्दी फोटो छाप लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 13वां क्वेश्चन हो गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलोगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हारा पढ़ के देखना, ये बात पता चल गया ना 12वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, जब बात करें कभी भी फ्री एक्सपेंशन का हमेशा दिमाग में रखना, या फिर एक और टर्म होता है वैक्यूम, क्या होता है बताओ वैक्यूम,
ये दो टर्म कभी भी थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चंस में देखोगे तो ऑलवेज तुम क्या करोगे कि प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, बस इतना दिमाग में रखिएगा। फ्री एक्सपेंशन या फिर वैक्यूम का अगर बात करेगा बच्चा लोग तो ऑलवेज प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ऑलवेज कितना रखोगे, जीरो। कहानी समझ में आ गया, पहला बात। दूसरा बात क्या बोल रहा है, एडियाबैटिक कंडीशन। पूरा अगर पढ़ोगे तो ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन जब भी रहे तो ऑलवेज तुम हीट इज इक्वल टू जीरो कर दोगे, ये मतलब हीट अप्लाई हम लोग नहीं करते। इसमें एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया फ्री एक्सपेंशन का मतलब, और हीट का मतलब एडियाबैटिक का मतलब क्या हो गया, हीट जीरो हो गया। अब कहता है कि कौन होगा इसमें रिलेशन, करेक्ट ऑप्शन कौन है ये बताओ, ये करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो हीट जीरो है तो या तो ए होगा बी होगा, ये सी और डी तो नहीं होगा, इसमें पता चल गया पहले से समझ में आ गया कि भैया सी और डी नहीं होगा। अब हमको पता करना है कि ये जीरो है ये भी जीरो है तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू ज्यादा होगा कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा ये थोड़ा सा। तो अगर W अगर हम बात करें वर्क डन का तो वर्क डन क्या होता है बच्चा लो, तो माइनस पी एक्सटर्नल और dV, ठीक है ये दिमाग में रख लो, माइनस पी एक्सटर्नल और क्या dV। अब यहां से देखो ये W इज इक्वल टू प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो जीरो हो गया तो W का वैल्यू भी क्या हो गया, जीरो। अब इतना ही तुमको दिमाग में रखना है, जब W जीरो हो गया तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बताओ, ए नंबर ऑप्शन सही। लेकिन तुम कहोगे सर ये डेल्टी भी जीरो कैसे हुआ, थोड़ा बता दीजिए, तो ये भी तुमको समझा दे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जानो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर इंटरनल एनर्जी चेंज का बात करें तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्यू माइनस डब्ल्यू होगा, जितना हम हीट अप्लाई करते हैं और जितना वर्क डन हो जाता है उसमें से कम कर दिया जाए तो वो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी चेंज कहलाएगा, ठीक है। अब तुम देखो ये इंटरनल एनर्जी चेंज Q बराबर जीरो और वर्क डन भी जीरो तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड है, अगर इंटरनल एनर्जी में कुछ हरकत नहीं हुआ ये जीरो है, इसका मतलब कि टेम्परेचर भी कोई हरकत नहीं हुआ होगा जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से इंटरनल एनर्जी घटता है। टेम्परेचर में अब टेम्परेचर तो नहीं दिया, इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं हुआ मतलब टेम्परेचर में भी कुछ नहीं हुआ होगा, तो ये भी चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हो गया, जीरो। इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, कहानी समझ में आ गया। चलो ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दो क्वेश्चन को देखो बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। क्या बोलता है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट का बात करता है तो कौन सा चैप्टर याद दिलाता है बताओ, सॉल्यूशन चैप्टर। कौन सा चैप्टर, सॉल्यूशन, बात समझ रहे हो, ये सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास का है जहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम पढ़ रखे हो या फिर पढ़ते हो, बात समझ रहे हो, ठीक है। वहीं से तुम्हारा आ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसी से क्वेश्चंस को दिया हुआ है। तो फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग तुम्हारा क्या बोलता है, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेंजीन, ये तुम्हारा दे रखा है कितना, 5.12 केल्विन केजी है ना पर मोल, ये तुम्हारा दे रखा है, यहां तक तुम समझ सकते हो। अब क्या होता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए तुमको निकालना है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा एफ निकालना है, ठीक है। क्या बोलता है, ऑफ मोलालिटी, जिसका मोलालिटी दे रखा है कितना, मोलालिटी दे रखा है 0.078 मोलालिटी, मोलर के फॉर्म में दे रखा है, तुम इसको यूनिट में बदल सकते हो, क्या होता है बताओ, तो होता है मोल पर केजी, क्या होता है बताओ, मोल पर के, कहानी समझ में आया, ठीक है मोलालिटी तुम्हारा मोल पर के दिया है। अब यहां से क्या बोलता है, कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन इज राउंडिंग ऑफ, तो ये तुम्हारा वैल्यू क्या होगा ये थोड़ा सा बताओ। राउंडिंग ऑफ कहने का मतलब कि तुमको राउंडिंग ऑफ करके लेना है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है, पूरा पूरा वैल्यू नहीं लेना है। चलो ठीक है, तो हम लोग समाधान करते हैं, ये तुम्हारा दे रखा है। अब यहां से क्या बोलता है कि आखिर हमको डिप्रेशन पॉइंट फ्रीजिंग फॉर सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बताओ, ये मोलालिटी के बराबर होता है, ये याद होगा रॉल्स लॉ में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट रॉल्स लॉ यही बताया था, क्या बताया था कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर मोलालिटी तुम हटाते हो तो ये कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या फिर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट,
डायरेक्टली केएफ, अरे बात समझा, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है और ये मोलारिटी। अब हमको निकालना क्या है, डेल्टी एफ, तो इसका वैल्यू दे रखा है जीरो, ये कितना 5.12 और क्या केल्विन केजी पर मोल, ये ना दे रखा है, और इनटू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मोलारिटी दे रखा है 0.087 मोल पर केजी। कहानी समझना, कहानी को समझना, ठीक है, ये तुम्हारा यहां दे रखा है, ये ऐसे तुम समझ सकते हो, इधर आ जाना थोड़ा, या फिर तुमको हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, ये और इनटू में तुम्हारा क्या हो गया 0.078 मोल पर केजी। यहां पर केजी में यहां केजी ये कट जाएगा, यहां मोल है यहां पर मोल कट जाएगा, तो यहां डेल टी एफ इज इक्वल टू जो है वो क्या बचेगा 5.12 × 0.087 है ना, और क्या हो गया केल्विन। अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे लोग, तो डायरेक्टली तुम्हारा 0.399 केल्विन आ गया। ये हम कैलकुलेट करके तुम्हारा रख लिए, बात समझा, इसलिए डायरेक्टली तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से तुमको इसको राउंडिंग ऑफ में लोगे तो 0.4 और 0 केल्विन देखने को मिलेगा, है ना, 40 केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग बताओ, सी नंबर आंसर हो जाएगा 0.40 केल्विन, 0.20 नहीं होगा, 0.80 भी नहीं होगा, 0.60 भी नहीं होगा, 40 होगा केल्विन। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर से था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, डिप्रेशन से क्वेश्चन है, है ना। तो ये क्वेश्चंस को तुम जल्दी छाप लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है द नंबर ऑफ फ्राइडे, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, चलो हम लोग देखेंगे उसको। तो ये क्वेश्चन जल्दी छाप लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चलो हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, देखो क्या होगा कहानी, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चा लोग, बहुत आसानी से समझोगे तुम लोग और बहुत मजेदार तरीके से बनाओगे। ये पूरा पूरा जो सीरीज रहेगा ना मिशन जुगाड़, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस को जुगाड़ कर रहे हैं आप लोग के लिए, है ना। और ये मिशन में एक ही टारगेट है कि 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए प्रीवियस ईयर। अब ईयर बाई थोड़ा सा देख लो और समझने का प्रयास करना है ना। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, देखो द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम, कितना नंबर ऑफ फैराडे तुम्हारा क्या करेगा रिक्वायर्ड होगा 20 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से चैप्टर से बच्चा लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में क्या है, तो यहां इलेक्ट्रोलिसिस का बात कर रहा है, क्या बता रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में कितना चार्ज हम डालेंगे, कितना चार्ज डालेंगे जो 20 ग्राम कैल्शियम बनेगा। तो चलो हम तुमको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं, 1 मोल चार्ज के लिए 1 मोल चार्ज तुम्हारा एक फराडे डालते हैं, 1 मोल चार्ज अगर तुमको डालना है तो 1 फराडे उसको कहते हैं, कितना कहते हैं बताओ 1 फराडे, और 1 मोल चार्ज करने का मतलब ये हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फराडे, अरे बात समझ गया। अब तुम लोग आगे बढ़ो, 1 मोल अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो तुम्हारा 1 फराडे लगेगा, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 2 मोल रहेगा 2 फराडे, 3 मोल रहेगा 3 फराडे, मतलब 1 मोल चार्ज अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसको 1 फराडे करते हैं। अब यहां से याद रखो, मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, ये अगर टूटेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कैल्शियम 2+ चार्ज और Cl2Cl- चार्ज, इसको बनाना है, ध्यान दो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चा लोग बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेके और कैल्शियम सॉलिड बना देगा, बात समझा। अब यहां से तुम देखो थोड़ा सा समझने का कोशिश करना कि कैल्शियम 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कैल्शियम सॉलिड बना, ठीक है, तो कैल्शियम सॉलिड कितना इसका एटॉमिक मास है बताओ 40 ग्राम, 40 ग्राम होता है इसका मोलर मास, 40 ग्राम पर मोल, तो इसका 40 ग्राम बना, हमको कितना बनाना है बताओ 20 ग्राम बनाना है, तो 20 ग्राम मतलब 2 से डिवाइड करना होगा, तो यहां तुम्हारा कितना मोल चार्ज लगा है 2 मोल चार्ज लगा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 40 ग्राम, तो 20 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो वहां 1 मोल चार्ज हो जाएगा, अरे बात समझ रहे हो, तो 1 मोल चार्ज कंटेन 20 ग्राम, तो 1 मोल चार्ज के लिए कितना फराडे लगता है बताओ, 1 मोल चार्ज के लिए 1 फराडे, इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 फराडे आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। देखो टोटल आज 15 क्वेश्चन हम लोग क्लियर किए, 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हम लोग क्लियर किए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में 15 करेंगे, कुल मिलाकर 3 वीडियो आएगा, एक
क्वेश्चन, मतलब ये पूरा पूरा वन ईयर को सॉल्व करने में, क्योंकि 45 क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है नीट में, तो 3 वीडियो तुम्हारा बनाया जाएगा प्रत्येक ईयर को सॉल्व करने में, ठीक है। तो प्रत्येक क्लासेस को मिस नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये फैक्टर, ये क्वेश्चन को डील करना विथ कॉन्सेप्ट। तो हम कॉन्सेप्ट भी हल्का फुल्का बताते जा रहे हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी मजबूत कर रहे हैं, तुम्हारा रिवीजन हो रहा होगा और क्वेश्चंस को भी बना रहे हो, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, हम लोग शुरुआत किए हैं एक मिशन जुगाड़, और मिशन जुगाड़ में आपका बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन को जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। हम ये टारगेट रखे हुए 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपका डील करें, और हम लोग पिछले क्लास में ये तय कर चुके थे टोटल 15 क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे। आज हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं, और इससे रिलेटेड आज 15 क्वेश्चंस को डील करेंगे और फिर नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डील करेंगे, मतलब 30 नंबर तक हम लोग डील करेंगे आज क्वेश्चंस को, समझते चलना बहुत बढ़िया से।